कि किसके पास एडवांटेज है, बिकॉज गॉड्रेन जैसे आगे बढ़े, आप देखिए कितने सारे स्मोक्स उनके सामने, मिनिमम 7 से 8 स्मोक्स इन्होंने डिप्लॉय किए ताकि वो क्लोज इन कर पाए। और जैसा आपने बताया राइट, पार्टी स्पॉयलर्स यहाँ पे कॉम्पाउंड के अंदर तो आ चुके हैं, डेल्टा का नेड एस पावर को नॉक कर देगा और यहाँ पे ओपनिंग मिलता हुआ गॉड्रेन को, कोई भी इनको बैक ऑफ नहीं कर पा रहा। बट फाइनली जोकर का एक नेड, 1-on-1 ट्रेड यहाँ पे होते हुए। मानिया एक और ग्रेनेड करेंगे और सामने नुकसान भी होगा, बट इसी बीच नुकसान वेरॉन के ग्रेनेड से हुआ है। गॉड्रेन आए तो थे पार्टी क्रैश करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए खुद ही नुकसान झेलते हुए रॉनी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। देयर इज अनदर प्लेयर, शॉट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर आ जाइए, रॉनी भी तैयार खड़े हैं। रॉनी के हाथ में है डीबीएस, शोगन के हाथ में भी डीबीएस है और अब शोगन आखिरी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए, आखिरी खिलाड़ी। चलिए ग्रेनेड से डैमेज तो जरूर दिया है, बट शोगन इज स्टिल देयर, लेकिन शोगन का फ्रैग लेके जाएंगे रॉनी। आईक्यू सोल फिलहाल के लिए तो गॉड्स को एलिमिनेट करते हुए, गॉड्रेन हैज बीन एलिमिनेट करेक्ट हुए हैं। लो एचपी पे जोकर ओपनिंग मिलती हुई जोकर को, डेफिनेटली ये रिवाइवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एस पावर अगर हील अप हील बैकअप कर गए ना, तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीम आई को सोल को मिलने वाला है। बट ऑन द अदर साइड एफएसई स्पोर्ट्स कैसे टैकल करेंगे इस सिचुएशन को, बिकॉज एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते जा रहे, प्लेयर्स मरते जा रहे, कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज का। और फिलहाल के लिए तो बस एक खिलाड़ी मौजूद उनके टीम के लिए, दूसरी तरफ टीम जीरो के दक्ष को रूम से बाहर किया गया, बिकॉज पूरी रूम चिंगारी की जा रही है। देखिए रूम से बाहर करके ओपन में खदेड़ भगाया है और अपने लिए फ्रैग भी निकाल रहे हैं। चलिए टीम जीरो का भी खात्मा होता हुआ एंड एफएस आतंकी नजर आ रहे हैं, आतंकी हैज बीन स्पॉटेड, उनकी पोजीशन का अंदाजा आ चुका है, आरू को भी टेक डाउन कर दिया है। और अब आखिरी खिलाड़ी टीम आईक्यू सोल के सितारे, ये आगे पर मिल सकता है 32वें पायदान से 10वें पायदान की जंप, इससे बड़ी जंप एक दिन में मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। प्लस 14 कूडोस, 14 पायदान ऊपर जंप लगाई है, ये आसान बात नहीं होती सॉल्टी, ये आसान बात नहीं होती। क्लियरली देखिए पहले 2 दिन खराब गए, कोई बात नहीं, टीम आईक्यू सोल ने रीसेट किया, उन्होंने कहा देखिए अब 2 मैचेस हो चुके, 2 दिन के 6 मुकाबले खराब हो गए, लेकिन आज का दिन हमारा अपना है और वो दिख रहा है।